हेलो एंड वेलकम टू आर्क एडिटिंग ऑन। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एडिटिंग पिक्सआर्ट में करनी होगी। इसके लिए आपको पिक्सआर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा, आपको ये प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना। इसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा, आपको सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ मैंने आपको एक बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, आपको सिंपली इसे जो है डिस्क्रिप्शन में इसे डाउनलोड कर लेना है और फिर इसे जो है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन करने के बाद जो है आपको क्या करना है, ये मैं पहले से आपको जो है बैकग्राउंड रेडी करके देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, अपनी फ़ोटो इस पर जो है लगा देनी है। वो कैसे लगानी है, आपको यहाँ ऐड फोटो के ऑप्शन से जो है अपनी फ़ोटो वो वाली ऐड कर लेनी है जो आप यहाँ लगाना चाहते हो। तो देखिए हमने अपनी एक फ़ोटो जो है ऐड कर ली है। ये फ़ोटो हमारी कुछ इस तरह की दिखेगी, आपको सिंपली इस तरह से इसे सेट कर देना है। इसके बाद जो है हमारी फ़ोटो पे जो है शेडो वगैरह जो है बहुत लग रही है, तो आपको नीचे जो है एडजस्टमेंट के ऑप्शन में जाना है और थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है कर लेनी है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको आगे की तरफ शेडो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको शेडो को भी जो है इस तरह से कम कर देना है। इससे क्या होगा, हमारी फ़ोटो पे जो है शेडो सारी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लाइट वाइट एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद जो है आपको इरेजर में जाना है। इरेजर में जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको रिस्टोर ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है, आपको इस तरह से जो है इसे रिस्टोर कर लेना है। इतना करने के बाद जो है आपको इरेजर पे क्लिक करना है, आपको इस तरह से इसे ड्रॉ कर देना है बिल्कुल सही तरीके से। और आपको यहाँ हार्ड से हार्डनेस को बढ़ा देना है, आपको 90 तक रख देना है। इसके बाद जो है आपको फिर से जो है रिमूव करना है। चलिए आप देख रहे होंगे हमारी फोटो जो है लगभग बन चुकी है। इसके बाद जो है आपको डन कर देना है। इसके बाद जो है एक आखिरी पीएनजी को ऐड करने की बारी आती है। ये आपको जो है बैकग्राउंड के साथ ही जो है मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको उसे ऐड करना है। चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए ये पीएनजी कुछ इस तरह की हो गई। आपको सिंपली इसके ऐड करने के बाद जो है यहाँ एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। आपको ध्यान रखना है कि पीएनजी को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद जो है आपको सिंपली से सेव कर देना। देखिए हमारी फ़ोटो जो है एडिट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।